1000 years later. Welcome back to the channel guys. मेरा नाम है पवनदीप सिंह और आप देख रहे हो Only Innovative. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, बिकॉज आपने जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसको बहुत ज़्यादा शेयर किया, उसको बहुत सारा प्यार दिया. सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट थैंक यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो फॉर शेयरिंग माई वीडियो ऑन द इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज. इट हेल्प मी टू गेट अ न्यू ऑडियंस, अ न्यू रीच. सो थैंक यू सो मच यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो. सो गाइज, आज की जो वीडियो है वो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम आया, मैं अपना फर्स्ट सेमेस्टर एकेडमिक हाउस में रहता था और उसके बाद मैं सेकेंड सेमेस्टर भी वहाँ ही कंटिन्यू करने वाला था, लेकिन ये पैंडेमिक के चक्कर में यूनिवर्सिटी ने सारे क्लासेस ऑनलाइन मूव कर दिए. सो सारे डॉर्म्स बंद कर दिए गए, सब यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग्स है एकेडमिक बिल्डिंग्स वो भी बंद कर दी गई. बट जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे वो अपने होम कंट्री वापस नहीं जा पाए, उनके यहाँ पर रिलेटिव्स नहीं है, तो उनके लिए ये पार्क्स टावर ओपन रखा. उन्हें कहा गया कि आप पार्क्स टावर में मूव हो जाओ और आप सभी को एक सिंगल रूम मिलेगा. सो अभी मुझे बेसिकली एक सेमेस्टर हो चुका है पार्क्स टावर में रहते हुए और मुझे यूनिवर्सिटी के ऊपर दो डॉम्स का एक्सपीरियंस है, वो है एकेडमिक हाउस और पार्क्स टावर. सो गाइज, और ज़्यादा कोई टाइम नहीं लेते हुए आपका आज का वीडियो शुरू करेंगे. सो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं पार्क्स टावर के लॉबी एरिया में और जो लॉबी एरिया है वो लोकेटेड है सेकेंड फ्लोर पे, बिकॉज पार्क्स टावर का मेन एंट्रेंस सेकेंड फ्लोर पे है. और मेरे पीछे यहाँ पे है हेल्प डेस्क जो स्टूडेंट्स के लिए 24 आवर्स ओपन होती है, बट अभी फिलहाल समर चल रहा है तो उसके जो टाइमिंग्स है वो है 8 AM to 5 PM. और गाइज, लॉबी एरिया में कुछ टेबल टेनिस टेबल्स है, वेंडिंग मशीन्स है, सोफा एंड काउचेज है, एक टीवी है ताकि वहाँ पे स्टूडेंट्स आ सके, चिल कर सके, रिलैक्स कर सके, प्लस एक पैटियो है. तो गाइज, अभी सबसे पहले मैं आपको जो सेकेंड फ्लोर पे यहाँ पर कंप्यूटर लैब है वो आपको मैं बता दूंगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स आके पढ़ाई कर सकते हैं, कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटआउट्स ले सकते हैं. गाइस, मेरा जो फेवरेट पार्ट है पार्क्स टावर का वो है कि ये पूरी बिल्डिंग में है ना अलग अलग टाइप के सेंसर्स लगे हुए हैं हर जगह पर. सो बेसिकली जो पूरे लाउंज में, पैसेज में, पूरी बिल्डिंग में मोशन सेंसर्स है, तो फिर जो लाइट्स है वो डिम हो जाती है और जैसे कोई तो भी वहाँ पे चल के जाएगा, कोई आएगा, तो लाइट्स वापस से ऑन हो जाती है. और जो हमारे रूम्स है वहाँ पर बेसिकली स्टडी डेस्क है और स्टडी डेस्क के जो लैम्प्स है वो भी IR सेंसर के थ्रू वर्क करते हैं. सो आप बेसिकली उसके नीचे जो हाथ प्लेस करते हो बिना टच किए वो लाइट्स ऑन हो जाती है. सो ये मेरा फेवरेट पार्ट है पार्क्स टावर का. और अभी मेरे सामने जो है वो है वेंडिंग मशीन और टेबल टेनिस, जहाँ पर आप लोग आके खेल सकते हो, चिल कर सकते हो दोस्तों के साथ. देखा होगा तो जो काउचेज है एंड टेबल्स है उनके ऊपर कुछ पेपर्स लगी हुई है, कुछ क्रॉस मार्क्स लगे हुए हैं, तो बेसिकली उसका ये मतलब है कि अभी कोविड के वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो फिर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठो और जो क्रॉस मार्क्स है उधर मत बैठो ताकि एक डिस्टेंस मेंटेन रहे. और गाइस, जो पैटियो की मैं बात कर रहा था वो इधर ही सामने है, जो टेबल टेनिस के टेबल्स है उन्हीं के सामने है. बेसिकली बाहर एक बैठने के लिए छोटी सी जगह है. बहुत ज़्यादा हवा है इस बार, बहुत ज़्यादा हवा है. तो गाइस, पार्क्स टावर में बेसिकली तीन थीम्स है और जितने भी फ्लोर्स आपको सेम कॉलम में दिख रहे हैं उनकी थीम सेम ही है. सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं थर्ड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर का जो थीम है वो है कनेक्ट. कनेक्ट मतलब आप लोग यहाँ पर आओगे आपके फ्रेंड्स के साथ, आप बातें करोगे, मूवीज देखोगे, चिल करोगे, गेम्स खेलोगे, बिकॉज यहाँ पर एक एक्सबॉक्स भी और बड़ा सा टीवी है. एक्सबॉक्स कंट्रोलर्स आप हेल्प डेस्क से चेकआउट कर सकते हो. सो अभी ये रहा थर्ड फ्लोर. फ्लोर है वो यही है थर्ड फ्लोर बिकॉज ऑफ दिस लाउंज, बिकॉज ये जो मेरे पीछे चेयर्स है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है.
सो अभी हम लोग जाएंगे फोर्थ फ्लोर पे और फोर्थ फ्लोर का थीम है स्टडी। गाइस यहाँ पर फोर्थ फ्लोर पे आप लोग आपके फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो और ग्रुप स्टडी कर सकते हो, वहाँ पर आके बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पर वाइट बोर्ड है, अगर आपको आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ पीपीटी डिस्कस करना है तो यहाँ पर एक टीवी भी है। और बेसिकली ग्रुप स्टडी के लिए वो टेबल्स, पर्सनल स्टडी के लिए ये वाले टेबल्स, और यस बड़ा ही मजा आता है, मैंने भी यहाँ पर पढ़ाई की। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं फिफ्थ फ्लोर पे और फिफ्थ फ्लोर का थीम है किचन। और बेसिकली यहाँ पर किचन है, डाइनिंग टेबल है, एक काउच है, टीवी है, आप फ्रेंड्स के साथ आकर यहाँ पे खाना खा सकते हो, मिलके बना सकते हो, चिल करते हुए मूवीज देख सकते हो टीवी पे और बहुत कुछ। अभी हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे मेन दो चीजें हैं, एक है फिटनेस रूम और दूसरा है लॉन्ड्री। सो अभी फिटनेस रूम जो है वो है बंद बिकॉज कोविड के वजह से, ताकि जो ट्रांसमिशन है वायरस का वो ना हो, इसके वजह से उन्होंने सेफ्टी रीजंस के लिए फिटनेस रूम लॉक किया है। आपको बस ये बाहर से दिखे इसलिए थोड़ा सा, आप अगर वहां पर देखोगे थोड़े से अंदर से मशीन्स दिख रहे होंगे आपको। और अभी मैं आपको यहाँ का जो लॉन्ड्री सिस्टम है वो बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी लॉन्ड्री करने के लिए वॉशिंग मशीन्स है और ड्रायर्स है, तो आपको कपड़े यहाँ पे बाहर नहीं सुखाने पड़ते, आप बस ड्रायर में डाल दो आपके कपड़े सूख जाएंगे फटाफट झुक झुक झुक। और ये रही लॉन्ड्री। सो यहाँ पर कुछ वॉशिंग मशीन्स है, वो भी आगे वॉशिंग मशीन्स है, आप वहाँ पे कपड़े वगैरह धो सकते हो, और उनको सुखाने के लिए यहाँ पर है ड्रायर्स, और साथ ही में बाजू में है एक वाटर फाउंटेन और कुछ वेंडिंग मशीन। पार्क स्टॉल की और एक खास बात है कि यहाँ पर अगर आप स्टेयर्स यूज करोगे पार्क स्टॉल में, तो फिर जब आप ऊपर जाते हो ना, तो हर एक फ्लोर पे मैंने आपको जैसे बोला एक थीम है, स्टडी थीम होगी, कनेक्ट होगा या फिर नरिश होगा। सो उसको सिग्निफाई करने के लिए हर एक थीम का एक स्पेसिफिक कलर है, जैसे कनेक्ट का कलर है येलो, स्टडी का कलर है ब्लू, और जो नरिश है उसका कलर है सी ब्लू। सो अभी मैं जब स्टेयरकेस से जाऊंगा और मुझे अगर पता करना होगा कि यार ये वाला जो फ्लोर है इसका थीम क्या है, तो फिर मैं बाहर से स्टेयरकेस पे से पता कर सकता हूँ बेसिकली वो दरवाजे का कलर देखकर। सो अभी आपको मैं वो भी बताऊंगा। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं थर्ड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर का जो थीम है वो है कनेक्ट। सो आप देखोगे तो ये पूरा यहाँ पर येलो कलर किया गया है। अभी चलते हैं फोर्थ फ्लोर पे। अगर अभी आप देखोगे तो ये है फोर्थ फ्लोर, ब्लू दरवाजा और ब्लू ये। और एक फन फैक्ट, दरवाजा खोलते ही मेरा रूम है सामने, बट अभी हमें जाना है फिफ्थ फ्लोर। और ये रहा सी ब्लू कलर, बेसिकली साइन कलर। गाइस बेसिकली ये था पूरे पार्क स्टोर का टूर, और आपको अगली वीडियो में क्या देखना है वो मुझे आप बताओ कमेंट करके। अगर आपको ये वीडियो मज़ेदार लगी, पसंद आई, तो फिर लाइक करो और शेयर करो। गाइस शेयर करोगे सो दैट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। और कमेंट करके बताओ आपको अगली वीडियो में क्या देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। गाइस ये वाली जो वीडियो है इसके ऊपर मुझे 100 लाइक्स मिल सकते हैं क्या, लाइक अगर एक गोल सेट किया तो लाइक करके बताना सारा।